बीज ब्रह्म, बीज जीवन का प्राण। बीज समाप्त हो गया तो ब्रह्मांड से जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रकृति ने मनुष्यों को बीज उपहार में दिया है। हम मनुष्य प्राणी का धर्म और कर्तव्य बनता है कि देसी बीजों का संरक्षण और संवर्धन करें। आदि काल से परंपरागत चले आ रहे देसी किस्म के बीजों का संरक्षण संवर्धन करता चला आ रहा हूँ। अब इधर देखिए जरा, ये गेहूँ पर, ये गेहूँ की नई नई प्रजातियाँ हैं, अलग अलग किस्म के हैं। मैं देसी बीज बैंक बनाया हूँ ताकि हमारे पूर्वज हमें उन्नत किस्म के पोषक तत्वों से भरपूर नए नए किस्म के अधिक उत्पादन क्षमता वाले औषधि गुणों युक्त तमाम प्रकार के बीज दे करके गए। तो मैं, मेरा भी धर्म और कर्तव्य बनता है कि मैं भी अपने वारिसानों के लिए, देशवासियों के लिए आने वाले समय में यह बीज काम आवे, देसी बीज का संरक्षण संवर्धन हो, इसी विषय पर काम कर रहा हूँ। यह लौकी 5 से 7 फीट लंबी होती है और देखिए बाबा भोले विश्वनाथ में चढ़ाया गया माला फूल का जैविक खाद बना करके डाला हूँ। तो ये नागनाथ के रूप में यह लौकी महाराज पैदा हुए, तो मेरे मन में आया कि मैं इस भगवान की असीम कृपा के प्राकृतिक नव परिवर्तन को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा हूं। पीछे गाड़ी है, ये रथ, इसी से मैं भ्रमण करता हूं ताकि जो है देश दुनिया के लोग जो है मैं जा करके अपने शुभ संदेश को फैलाऊं, ताकि देशवासियों के अंदर एक नई जागृति जागे। देसी बीज बचाने का प्रशिक्षण देता रहता हूं और ये हमारे परम पूज्य पिता स्वर्गीय श्री शीतला सिंह हैं। ये इनको लोग कृषि ऋषि, कृषि महर्षि, कृषि राजर्षि के नाम से लोग सम्मानित करते थे। बाढ़े पुत्र पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। तो आपके आशीर्वाद से मैं कर्म कर रहा हूँ, विकास कार्य हो रहा है। प्रणाम।